व्यापारियों ने सीएम खट्टर को सौंपा ज्ञापन। कई महीनों से किसान अलग अलग बॉर्डर पर बैठकर तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इससे उसके आसपास रहे ग्रामीण व्यापारी और कई तरीके के लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसी को लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से एक मिनट हरियाणा भवन में मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या को दूर किया जाएगा। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। से निर्णय हो जाता है तो स्वाभाविक है सब लोग उसको मानना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा रास्ता। सर से सोनीपत के लोग नहीं बल्कि उस रूट पे जितने भी लोग आते हैं उनको काफी परेशानी हो रही है, चाहे वो डेली फैक्ट्री बंद है, उद्योग बंद हो गया, लोगों का रोजगार बंद हो गया, बहुत सारे लोगों ने प्लान सामने सामने सिंधु बॉर्डर के जो आसपास के गाँव के लोग मुख्य समस्या तो जो रास्ता है सिंधु बॉर्डर का उसको खोलने के लिए गांव लोगों की डिमांड थी। इसका जैसे आपको पता है कि सर्वदूर इसमें मांग है कि रास्ते खुले हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। पिछली 4 तारीख को उन्होंने बुलाया था, सरकार को बुलाया था, संबंधित पक्षों में किसानों के प्रतिनिधियों को उसमें नहीं बुलाया था। बाद में उन्होंने 4 तारीख से कहा है कि अब किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए, उनको सबको भी 43 लोगों की पार्टी बनाया है और उनको भी नोटिस जारी हुए हैं। तो 20 तारीख वहाँ लगी है, उनको वहाँ बुला करके और ये सारा रास्ते का मुझे लगता है कि इसका समाधान हो जाएगा। साथ में जो आसपास के रास्ते थे क्योंकि जो सड़कें थी वो इतने बड़े लोड की सड़कें नहीं थी, स्वाभाविक है उनका टूटना, तो वो सड़कें टूटी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की है, मार्केटिंग बोर्ड की है, SITC की है। हमने उनको आश्वासन दिया और डिपार्टमेंट्स को भी कहते हैं उनको सड़कों की मरम्मत कराएँ ताकि अल्टरनेटिव रास्ते कुछ बने रहें। छोटी मोटी और समस्याएं उनकी हैं, कुछ मुआवजा है KGP का, बाकी सब ज्ञापन उन्होंने दिया है उसके अनुसार उनके सब समस्या हल कराएंगे। और अच्छा है कि हम प्रतिनिधियों से बात बात करें तो आपको सारी बातें होम सेक्रेटरी देख रहे हैं। एक कमेटी बनाई थी, उसमें किसानों को बुलाया था, उनके प्रतिनिधि आए नहीं थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पार्टी नहीं बनाया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि उनको स्वागत करेंगे, उनको सबको नोटिस जाए